हेलो, अब हम लोग अध्याय 10 पढ़ते हैं, जिसमें तरंग प्रकाशिकी पढ़ा जाएगा। वेव ऑप्टिक्स बोलते हैं, या वेव नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की तरंग प्रकृति। अब ये थोड़ी सी जानकारी हम लोग पहले कर लेते हैं जो पढ़ चुके हैं। अभी तक हम लोगों ने लेंसों, दर्पणों या प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन व परावर्तन के बारे में पढ़ा। इसमें यह माना गया है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। वायवीय निर्वात में इसकी चाल सबसे अधिक 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, तथा किसी पारदर्शी माध्यम में इसकी चाल कम हो जाती है। प्रकाश का सीधी रेखा में चलने का निरूपण किरण द्वारा किया जाता है। ये किरण तीर द्वारा किया जाता है, जिसको किरण कहा जाता है, ये कह सकते हैं। अब भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश के अपवर्तन, परावर्तन, वर्ण विक्षेपण आदि घटनाओं का अध्ययन यह मान कर किया जाता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, को किरण प्रकाशिकी कहते हैं। तो इसको किरण प्रकाशिकी कहते हैं। तो अभी हम लोग किरण प्रकाशिकी का अध्ययन कर रहे थे। अब भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि गुणों की व्याख्या यह मान कर की जाएगी कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है का अध्ययन किया जाता है, तरंग प्रकाश की कहलाती है। तो जिस विज्ञान, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम तरंग प्रकृति का अध्ययन करेंगे, उसको कहते हैं तरंग प्रकाशिकी। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखिए लिखा परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ये कुछ गुण और प्रकाश में पाए जाते हैं, जैसे व्यतिकरण है, विवर्तन है, ध्रुवण है आदि गुणों की व्याख्या भी हम लोग इस तरंग प्रकृति से करेंगे। अब तरंग प्रकृति प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, ये कैसे अनुमान लगाया गया? तो कोई भी तरंग, जैसे ध्वनि तरंग है, मार्ग में अवरोध आ जाने पर किनारों पर मुड़ जाती है। जैसे हम लोग दरवाजे के बाहर भी अगर बोलें तो अंदर कमरे में कहीं भी सुन सकते हैं। इसका मतलब है कि तरंग दरवाजे से घुसते समय मुड़ जा रही है, इसलिए हमें दूसरे भाग में भी सुनाई दे रही है। तो यह तरंगों का एक अभिलक्षण है, एक उनकी करैक्टरिस्टिक है, उनका एक मुख्य गुण होता है तरंगों का। प्रकाश भी जब सूक्ष्म अवरोध के किनारों से गुजरता है तो यह भी मुड़ जाता है। इसका मतलब है कि यह भी तरंग है, प्रकाश भी तरंग के रूप में होता है, क्योंकि जिस प्रकार से ध्वनि तरंगें मुड़ गई, उसी तरह प्रकाश भी मुड़ रहा है। इसका मतलब प्रकाश भी तरंगों के रूप में होता है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रकाश तरंग के रूप में होता है। प्रकाश के तरंग सिद्धांत के संबंध में सर्वप्रथम वैज्ञानिक हाइगेंस, जो हॉलैंड के निवासी थे, ने अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की थी। लेकिन इनकी परिकल्पना पढ़ने से पहले हम लोग कुछ और बातें जान लेते हैं। पहले मेन तरंगाग्र जान लेते हैं, वेव फ्रंट। इसी टॉपिक में वेव फ्रंट माने तरंग का अग्र भाग, तरंग के आगे वाले भाग को वेव फ्रंट। तो यहां पर डिफिनीशन है कि जब किसी माध्यम में वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण तरंग के संचरित होने पर समान कला में कंपन करते हैं, तरंगाग्र कहलाता है। तो किसी भी समान माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ लें जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हों, तो वो पृष्ठ तरंगाग्र कहलाता है। अब समान माध्यम का, जैसे हम तालाब का पानी ले सकते हैं, तालाब के पानी में अगर कोई तरंग उत्पन्न करें, मीन्स कोई पत्थर फेंक दें किसी स्थान पर, तो तरंग उत्पन्न हो जाती है। तो कहीं भी हम एक ऐसा पृष्ठ बनाएं वहां पर पानी में, जहां पर जिसमें स्थित सभी कण समान कला में हों, या तो सभी पानी के कण ऊपर की ओर जा रहे हों या नीचे की ओर जा रहे हों, तो उसको बोलेंगे हम लोग तरंगाग्र। तो तरंगाग्र की ये डेफिनेशन है। तो समझना वैसे है, लेकिन डेफिनेशन ये है कि किसी माध्यम में वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण तरंग के संचरित होने पर समान कला में कंपन करते हैं, तरंगाग्र कहलाता है। अब तरंगाग्र सदैव तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होता है। तो जैसे हम पानी में पत्थर मारेंगे तो पत्थर से क्या जो तरंग उत्पन्न होगी वो पानी तालाब में किनारे की ओर जाएगी, तो जो तरंगाग्र बनेगा वो उस पानी के तल के लंबवत होगा हमेशा। तो
तरंगाग्र तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होता है। यदि माध्यम समांग है, अगर समांग माध्यम नहीं है तो लंबवत नहीं भी हो सकता। हम लोग समांग माध्यम में ही तरंगाग्र के बारे में पढ़ेंगे। अतः तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखा, अगर हम तरंगाग्र के लंबवत कोई रेखा खींचें तो वह तरंग के संचरण की दिशा को व्यक्त करती है, जिसे किरण कहा जाता है। तो तरंगाग्र के लंबवत हम अगर तीर बनाएं तो उसको किरण कहेंगे, यानी वह तरंग के संचरण की दिशा को व्यक्त करेगी। अब तरंगाग तीन प्रकार के होते हैं, नंबर एक गोली तरंगाग, नंबर दो बेलनाकार तरंगाग, नंबर तीन समतल तरंगाग। तो ये तरंगाग्र भी समझ लीजिए, तो ये गोली तरंगाग्र है। जैसे ये मान लो एक फुटबॉल या वॉलीबॉल है, उसके केंद्र पर एक कोई तरंग स्रोत रखा है, तो फुटबॉल का पृष्ठ या वॉलीबॉल का पृष्ठ जो होगा वो गोली तरंगाग्र होगा। और इसको अगर और बड़ा दूर बनाए तो इस तरह से बना सकते हैं, ये गोली तरंगाग्र बने हुए हैं। ये तरंग स्रोत है बिंदुनुमा, एक छोटा सा तरंग स्रोत है, उसके एक तरंगा गोली तरंगाग्र बने हुए हैं। इसको हम जैसे पैरासूट में वो छतरी होती है उस तरह की फिगर बनाएंगे, तो ये गोली तरंगाग्र है। तो जब बिंदुनुमा स्रोत होता है तरंग स्रोत, तो गोली तरंगाग्र होता है। ये बेलनाकार तरंगाग्र होता है, तो क्षणनुमा जब तरंग स्रोत होता है, जैसे किसी राड को हम किसी हथौड़े से टकराकर उससे ध्वनि उत्पन्न करें, तो इस तरह के तरंगाग्र उत्पन्न होते हैं, बेलनाकार तरंगाग्र होते हैं। और यही दोनों तरंगाग्र जब अगर हम इसको बहुत दूर जाकर बनाएं जाके तो एकदम प्लेन बनेगा, इस तरह का बनेगा। इसी तरह से अगर इसको हम बहुत बड़ा बनाएं तो उसका भी आकार लगभग प्लेन सीधा हो जाएगा इस तरह का। तो जब गोली तरंगाग्र और बेलनाकार तरंगाग्र बहुत अधिक दूरी तय कर लेते हैं तो वो समतल तरंगाग्र बन जाते हैं, ये लिखा हुआ है। गोली तथा बेलनाकार तरंगाग्र अधिक दूरी तय करने पर समतल तरंगाग्र बन जाते हैं, तो ये याद रखना है। तो बेलनाकार गोली तरंगाग्र और बेलनाकार तरंगाग्र, इनके तरंग स्रोत होते हैं और इसका कोई तरंग स्रोत नहीं होता। ये इन्हीं के बहुत दूर जाने पर, ये तरंग स्रोत जब स्रोत से बहुत दूर पहुंच जाते हैं, तो यही तरंगाग्र समतल तरंगाग्र बन जाते हैं। तो ये है तरंगाग्र के बारे में।